सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जो अपना जूलॉजी का पेपर नंबर थर्ड है ना, कौन सा, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं या आने के चांसेस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आज अपन इस लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए ये जो अपन जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, इनके अंदर क्योंकि आपको सबको पता है एक क्वेश्चन है जो एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है, मतलब जिसके अंदर एक से लेकर दस क्वेश्चन तक आते हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। वो जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन्हीं के अंदर से आएंगे, क्योंकि ये बड़े वाले क्वेश्चन है, इन्हीं के अंदर से क्या बनता है, छोटा वाला क्वेश्चन बनता है। तो अपन इनको देख लेंगे तो आपके छोटे वाले क्वेश्चन भी एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे, आप इन बड़े वालों को देख लोगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ह्यूमरल एंड जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी के टाइप्स, कि इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। अब देखिए इम्यूनिटी के टाइप्स आ गया तो अलग से ही आपको पूछ लिया जाए कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो देखिए इसी के अंदर क्या बन गया, छोटा क्वेश्चन बन गया ना, ठीक ऐसे ही, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से ही क्या बनता है, छोटा वाला क्वेश्चन बनता है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है आपको रेप्लिकेशन बताना है, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन बताना है बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी जो प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके द्वारा बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उन सारे के सारे स्टेप्स को क्या करना। अब सिंगल स्टेप भी आपसे पूछ लिया जाता है एंड जो अलग सारे के सारे पूरा रिप्रोडक्शन के पार्ट के अंदर आ जाता है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यह आपको एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके अनुप्रयोग किया, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर के वाहक कौन कौन से हो सकते हैं, उनको आपको शॉर्ट नोट के अंदर बताने हैं थोड़े थोड़े पॉइंट लिख के। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन क्या होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस बार आपको ओनली यूकैरियोट में पूछ लिया जाए, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने तो देखिए सारे के सारे, बस इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करें शॉर्ट नोट की, कि छोटे वाले जो तीन तीन चार चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो पहला आपसे पूछ लिया जाता है मैक्रोफेज सेल क्या होती है, व्हाट इज द मैक्रोफेज सेल, तो मैक्रोफेज सेल के ऊपर बताना है। फिर पूछ लिया जाए कि टी हेल्पर सेल क्या होती है एंड टी किलर सेल्स क्या होती है, इनको भी एक्सप्लेन करना है। साथ में एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज के टाइप्स वगैरह भी आपको थोड़े से बता देना है। इसके साथ जो मेमोरी सेल होती है वो क्या होती है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको हिस्ट्री बतानी है माइक्रोबायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की क्या हिस्ट्री रहने वाली है। फिर थोड़ा सा टिटनेस डिजीज के बारे में आपको बता देना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद में बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, पीसीआर के बारे में बताना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसको बताना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है इसको भी क्या करना है भैया, आपको एक्सप्लेन करना है। साथ में हाइब्रिडोम्स टेक्निक क्या होती है इसको भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आपके बीएससी सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वाले क्वेश्चन बताए ना, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है, हेल्प करेंगे कि जिन्होंने तैयारी कर रखी है, साथ में उनको एक दो चार हिंट और मिल गए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, तो उनके जो मार्क्स होंगे आपके मार्क्स उसमें आपको ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, इनकी तैयारी नहीं है, उनको भी सीधी सी बात है बूस्ट करेंगे, उनके भी नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। क्योंकि जो अपना लास्ट ईयर, जो अपने लास्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब अपन ने देखा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, यदि आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको उनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी सेकेंड ईयर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बता रहा हूं। तो एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलेंगे। थैंक यू।